क्लब चैंपियनशिप में आज दो सेमीफाइनल हुए हैं, सेमीफाइनल वन और सेमीफाइनल टू। जी हाँ, और सेमीफाइनल के रिजल्ट्स की यहाँ चर्चा नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन चर्चा यहाँ पर होगी नेशनल प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को लेकर। पहला जो मैच था, शायद पहला मैच ही था जो मलेशिया का था, जो 5 ओवर का मैच कर दिया गया, उसमें परफॉर्मेंसेस की बात क्या ही की जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक दो परफॉर्मर हैं जिनकी बात मलेशिया की तरफ जरूर करेंगे। लेकिन नेपाल के जो नेशनल प्लेयर्स हैं जो कि सेकेंड मैच में काफ़ी ज़्यादा खेले हैं, वहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस हुई है और कुछ चीज़ें हैं कहने के लिए जो मैं चाहूँगा कि आप सब में से जो भी हमारी वीडियोज़ को लगातार देखते हैं प्लीज उसे सुनिएगा जरूर। पहले परफॉर्मेंस की बात जरूर कर लेते हैं। बिल्कुल, मलेशिया की बात करें तो मलेशिया से सबसे पहले सैयद अजीज, शॉर्ट मैच था, बहुत ही शॉर्ट था, 23 रन उन्होंने बनाए 13 बॉलों में, एक विकेट भी लिया 13 बॉलों में 23 रन। और साथ ही साथ विरंदीप सिंह यहाँ जो कि ओपनर है, उन्होंने 20 रन बनाए हैं 14 बॉलों में और नॉट आउट रहे हैं और साथ ही साथ 2 विकेट भी लिए हैं और मैन ऑफ द मैच भी बने हैं वो, खैर मैच के, और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस शॉर्ट मैच पर इन दोनों का हुआ है। जी हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि दूसरी टीम से कोई प्लेयर्स थे नहीं क्योंकि वो शायद यूपी की टीम थी। खैर, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आ जाती है कि विरंदीप सिंह के बनने से रन निकले हैं इसमें, लगातार रन इसमें से निकले हैं, एक अच्छा साइन है। उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग भी काफ़ी कराई है और उनको विकेट्स भी मिले हैं। वहीं सैयद अजीज का पूरी तरह से ऑन ऑफ रहा है, ऑफ ज़्यादा रहा है ऑन के बजाय। अब अगर दूसरे मैच की बात करें, यहाँ पर काफ़ी सारे नेपाल के नेशनल प्लेयर्स खेले हैं, यहाँ की परफॉर्मेंस को किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट है आज? बिल्कुल, देखिए अगर रिपोर्ट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कहना होगा कि पुअर रही है कुछ प्लेयर्स की और कुछ प्लेयर्स एक आध प्लेयर की अच्छी भी रही है। बात करें रोहित पुड़ैल, फिर से अच्छे ही होंगे। बिल्कुल, आप ना बताएं तो भी वो लगता ही है क्योंकि रोहित पुड़ैल रेयर ही फेलियर होते हैं आजकल। बिल्कुल, 36 रन 40 बॉलों में और कोई डाउट नहीं है इनमें किस लेवल के वो प्लेयर हैं, उनकी कंसिस्टेंसी, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, इसकी डेली क्रिकेट हमेशा बात करता है, इस कंसिस्टेंसी इस तरह की इन प्लेयरों में दिखती है। और उसके बाद बात करें भीम शार की, आज चले नहीं, 2 रन 5 बॉलों में, कुशल मल्ला 1 रन 5 बॉलों में ओरिजिनल फॉर्म में आ गए हैं, विनोद भंडारी 0 रन। जी हाँ बिल्कुल, सोमपाल कामी 6 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं मिला, साहब आलम जी हाँ 7 रन बनाए, कोई विकेट नहीं मिला, विक्रम सोम ने आज 3 विकेट लिए हैं और सुशांत भारी को भी आज विकेट मिला नहीं, विकेट लेस गए हैं और साथ ही साथ देव खनल गोल्डन डक पे आउट हुए हैं। बिल्कुल, तो फिर आप बिल्कुल रिपोर्ट से ये क्लियर समझ में आता है, इतने सारे नेशनल प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा निल। मैं अभी आपको बार बार कह रहा हूँ, जितने भी लोग इन परफॉर्मेंस को इग्नोर कर रहे हैं, सोच रहे हैं अरे कोई नहीं, ये सब तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छा करेंगे, आगे जाकर ये मैच होने दो, इंटरनेशनल मैच होने दो वगैरह वगैरह, बहुत सॉलिड छक्का लगेगा बहुत बहुत गलत वक्त पे, ये याद रखिएगा। इंडियन क्रिकेट बहुत पहले आपसे कह रहा है, आपको अभी ना सही, धीरे धीरे जरूर समझ में आएगा, बहुत बड़े मौके पे जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये उभर कर आएगी। फिर आप कहेंगे अरे यार ये प्लेयर ऐसा कैसे खेल गया, इतना तो अच्छा खेल रहा था। नहीं, आपने वो सारी चीजें दरकिनार कर ली जब ये लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। आप देखिए कुशल मल्ला को, बैटिंग से कोई रन नहीं, चलिए आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चल रहे, यहां से अपनी फॉर्म को वापस ले आइए और वापस से एक बार दरवाजा खटखटाइए नेशनल टीम में कंसिस्टेंट प्लेइंग 11 में रहने का, लेकिन वो नदारद, बिल्कुल नदारद है। आपने कोई भी एक स्ट्रांग मैसेज नहीं भेजा है मैनेजमेंट में या फिर कैप्टन को कि नहीं मैं पूरी तरह से तैयार हूं, आप मुझे भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी चीज है। वही अगर विनोद भंडारी की बात करें, डेफिनेटली आपके लिए अभी रास्ते बाकी तो कोच और कैप्टन अगर आपको बार बार लेना चाहे वो बात अलग है, वो फिर अलग जोन में आ जाता है कि आपको क्यों लिया जा रहा है, लेकिन एज अ परफॉर्मेंस बेसिस बिल्कुल भी आपके जो वापसी है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। रोहित पुड़ैल की बात वापस से क्या करना, लगातार कंसिस्टेंसी है, 2-3 प्लेयर ऐसे कंसिस्टेंट वाले आ जाएं फिर डेफिनेटली ये टीम वर्ल्ड के लीग में बड़े बड़े टीम्स को हराने में दम जरूर रखेगी, क्योंकि बैटिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नजर आती है। अगर रोहित जैसे, दीपेंद्र जैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमें मिल जाए, वनडे में खास करके रोहित जैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर अगर हमें मिल जाए, डायरेक्टली स्कॉटलैंड आई के खिलाफ अच्छा और जरूरी है। वनडे में आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वनडे में आपको ज्यादा स्कोर करने वाले, ज्यादा टारगेट आपको चाहिए, लिमिटेड टारगेट में, शॉर्ट टारगेट में, या ही और ना ही चेस करते हुए टीम कभी जीत नहीं सकती। अगर आपके पास 1 या 2 प्लेयर ही ऐसे हैं, आपको थोड़े ज्यादा प्लेयर चाहिए जो अच्छा टारगेट भी दे सकें और ज्यादा से ज्यादा चेस भी करके दे सकें। बिल्कुल, अब यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स की बात करें, सोमपाल कामी की मैं बात करना चाहूंगा। एक चीज छोटी सी जरूर करना चाहूंगा, अभी कितनी ज्यादा बैटिंग शायद इस प्रो क्लब चैंपियनशिप में उनकी नहीं आई है, लेकिन जब भी आई, लेकिन एक छोटा सा काम अगर वो खुद पे करे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन। यहाँ मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ,
बॉलिंग में उनको 10 out of 10 मार्क्स होते हैं, 8 विकेट नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन वो प्राइम बॉलर है, जबरदस्त बॉलर है, उनके हमने बॉलिंग काफी देख ली है, उनके बारे में बॉलिंग की चर्चा मैं नहीं करूंगा। एक छोटी सी चीज जरूर कहूंगा कि सोमपाल कामी को थोड़ी सी अपनी बैटिंग और अगर बेहतर वो कर पाए तो बेहतर होगा यार, क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली यही देखा जाता है लोग थोड़ा सा कप्तान जो है वो इस तरह के प्लेयर्स चाहते हैं कि यार ये थोड़ी बैटिंग भी कर लेगा इसके साथ साथ तो मजा आ जाए, हम टेस्ट क्रिकेशन में भी देखते हैं थोड़ी बहुत अगर बैटिंग में से आप कंट्रीब्यूट कर पाए तो क्या बेहतर नहीं होगा, खासकर देखते हुए कि नेपाल की बैटिंग जो है वो इतनी खास नहीं रहे। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है, आजकल का क्रिकेट हो गया है ज्यादातर बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट है, बॉलिंग फ्रेंडली को बनाने की कोशिश हो रही है पर बनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर बैटिंग फ्रेंडली अच्छा है, काफी बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट हो गया है, तो इसके हिसाब से अगर थोड़ा डाउन नीचे तक चला जाए, सातवें तक, छठे छठे तक तो रहता ही है, सातवें तक का चला जाए तो फिर थोड़ा आप स्कोर भी कर सकते हैं, तो ये सोमपाल कामी के लिए बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा सा रन की तरफ भी ध्यान दे, थोड़ा सा बैटिंग की तरफ ध्यान दे, करें थोड़े बहुत स्कोर भी, पर अगर थोड़ा सा वो और ज्यादा उसको बेहतर करें और कोई अगर ऊपर के खिलाड़ी है उसके साथ जमे पार्टनरशिप करे तो फिर बहुत काम आएगा, यहाँ वो कर सकते थे क्या नहीं किया गया इसे कर सकते थे, ये हो सकता है, ये छोटी सी चीज मैं चाहूंगा कि वो जरूर करें क्योंकि इससे बहुत फायदा होगा, अगर आप नई चीज कोई सीखते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, आप अगर इस तरह के प्लेयर भी बन जाते हैं कि नहीं मेरा विकेट आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, अर्न करना होगा, बस इतना चाहता हूँ मैं सोमपाल कामी नेशनल टीम के लिए करें कि मेरा विकेट आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा कि मैं आया और आपने विकेट ले लिया, वो आपको अर्न करना होगा, पिछले बैक में बहुत सारे रन किए हैं नेशनल टीम के लिए, उनके खिलाफ तो रिकॉर्ड भी है मेरे ख्याल से 9वें या 10वें नंबर के सबसे हाईएस्ट रन मारे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि रन नहीं किए, लेकिन वो ये कि ओकेजनली रन निकलते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐसे हो जाए कि मेरा विकेट आपको अर्न करना है, मैं देने वाला नहीं हूं, तो एक बहुत अच्छा यूएसपी हो जाएगा नीचे आकर लोअर ऑर्डर में नेपाल के लिए, वरना बॉलिंग की तो उनकी तारीफ की कोई बात ही नहीं है, 10 out of 10 उनकी बॉलिंग को जाता है। वहीं पर अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें, आज शहाब आलम की शायद आपने बात की है और सुशांत भारी की, आज उनका परफॉर्मेंस किस तरह से रहा, कैसे देखा? बिल्कुल, देखिए आज विकेटलेस गए हैं और उम्मीद करते हैं कि परफॉर्मेंस अब तो शायद बेहतर हो और आगे आने वाले मैचेस में जब भी मौका मिले, बहुत बिल्कुल और मौके मिलेंगे जरूर, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है, उम्मीद करते हैं कि जब भी मैचेस में मौका मिलेगा यहाँ से भी कुछ लेके जाए, यहाँ से जब सीखे हैं, जब भी आप मैच खेलते हैं कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, चाहे आप कहीं भी खेलें, गली में भी खेल रहे हो, पर अगर आप उससे सीखना चाहते हैं यानी उसे पास ऑन कर देना चाहते हैं तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, पर मुझे उम्मीद है कि ये लड़के जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। जी हाँ बिल्कुल सीखेंगे, और पूरी उम्मीद है, मैंने कहा कि अभी भी नेपाल की टीम में सेकंड विकेट टेकर टेकिंग स्पिनर जो है वो नदारद रहता है, अगर आप कहेंगे दीपेंद्र सिंह एरी है जो आके हमेशा विकेट निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी का जो जॉब है वो विकेट निकालने का नहीं है, प्राइम जॉब जो है विकेट निकालने का नहीं, और इसी वजह से उनको प्रेशर भी आता है, आप देखिए उन्होंने लास्ट 6 ODIs में मेरे ख्याल से 125 या 130 के आसपास या चलिए 140 के आसपास उन्होंने स्कोर किया है, उसमें से एक तो सेंचुरी है, तो आप देखिए कि एवरेज उनका कितना है, लास्ट 6 ODIs में दीपेंद्र सिंह का जो एवरेज है वो 20 से 25 के बीच में, क्या आपको लगता है 1 down 2 down में आने वाला प्लेयर 20 से 25 का एवरेज चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे पहले पता चलता है कि उनके जो बैटिंग में उसमें अफेक्ट जरूर कर रहा है, वो बैटिंग से ज्यादा योगदान दे, क्योंकि बैटिंग में जो नेपाल की टीम है वो ज्यादा कमजोर है बजाय बॉलिंग के, वो हैंडी है आके एक दो विकेट निकालते हैं, पार्टनरशिप तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड विकेट टेकिंग परमानेंट स्पिनर जो है वो फिलहाल इस टीम को नजर नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे भी बॉलिंग से रन कम रन करने और फिर बैटिंग में भी ऊपर आना है, तो वो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 6-7 ओवर दिया, एक स्पिनर आपके पास है, क्वालिटी स्पिनर है जो कि बहुत अच्छे हैं, संदीप की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उनके साथ दे सकते हैं, बजाय दीपेंद्र के डायर ऊपर ज्यादा फेथ दिखाना, बिलीव दिखाना, वो थोड़ा सा होता है, चलते जरूर अच्छा करते हैं और इससे बैटिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर उनकी बैटिंग पर है। बिल्कुल, और आप खुद देखिए, आप एक बार जरा खुद ही निकाल कर देखिए, लास्ट की 6 ODIs दीपेंद्र सिंह एरी की निकाली, आप एवरेज देखिए कितना, जो एवरेज है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है अगर हम कहें ओवरऑल डाउन को देखते। बिल्कुल, विक्रम सोप और देव खनल, इनके बारे में आप जल्दी से। बिल्कुल, देव खनल की बात है, डेफिनेटली लगता है कि देव खनल को वन डे इंटरनेशनल में ज्यादा मेरे ख्याल से प्रेफर करना चाहिए बजाय T20 के, ये क्लियरली समझ में आ रहा है, शायद वो T20 मटेरियल फिलहाल नहीं है, वन डे में उन्होंने अच्छा किया, एक इनिंग में उन्होंने अच्छे स्कोर किए, तो उम्मीद करेंगे कि वन डे में शायद वो बेहतर हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ODI के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वो है बहुत ही कम,
बहुत लिमिटेड है, मोस्टली टी20 फॉर्मेट ज्यादा होते हैं, तो अगर यहीं पे परफॉर्म करने का एक ऑप्शन बचता है डेज क्रिकेट नेपाल के डोमेस्टिक में है नहीं, तो ये और एक ज्यादा मुद्दा हो जाता है खतीब खान के लिए। परफॉर्मेंस बहुत लगातार उनकी पोर रही है। हमने विक्रम सोक की बात की तो उनके बल्ले से भी अगर हम कहें किस तरह के रन निकले जी, 3 विकेट लिए हैं और 3 विकेट उन्हीं के उन्होंने ही लिए हैं, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और परफॉर्मेंस पिछले मैचों में भी उन्होंने किया, विकेट ले रहे हैं निकाल रहे हैं, उम्मीद है थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर होगा और टीम में अगर खैर बॉलिंग की अभी जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर कहेंगे नेपाल को फास्ट पेस बॉल की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बेंच में हो, आपकी टीम में वो मौजूद हो, तो आप कभी भी कहेंगे कि हाँ आप आओ टीम में और वो जो परफॉर्मेंस है वो रेडी होंगे हमेशा करने। बिल्कुल, और बिल्कुल बेंच में अभी से रेडी एक घटना जरूरी भी है, क्योंकि सामने जो अब टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वो स्कॉटलैंड में होना है और उसके बाद यूएसए में होना है, पिच एकदम अलग होगी एशियन कंडीशन से, जो आप यूएई ओमान और नेपाल में खेलते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट, यूएसए में बाउंस होगी और स्कॉटलैंड में स्विंग मिलेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल थर्ड पेसर आपके पास स्ट्रॉन्ग पेसर, ऐसे नहीं कि आपने 5-6 भर लिए, स्ट्रॉन्ग पेसर जो प्रॉमिसिंग पेसर है जो पिटेंगे नहीं वहां जाके, उस तरह के पेसर आप तैयार करें तो बेहतर होगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, प्लीज अगर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। प्रो क्लब चैंपियनशिप में पूरी रिपोर्ट लेकर आपके सामने।